तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच में जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है, क्योंकि प्राउड टू बी एन इंडियन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज मी डी जिंकीनाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए। तथास्तु। आपको थंबनेल देख के मालूम चली गया होगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। वो एक्चुअली क्या है, इंडियाज टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है, मैं वही आपको आज दिखाऊंगा व्लॉग बना के। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, बाय रोड चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो लोकेशन कैसा है। मैं आपको नीचे से ही दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए नीचे से ही कितना बड़ा दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस फ्लैग का लोकेशन मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बोल देता हूँ ये कहाँ पे है। ये है नॉर्थ ईस्ट असम के गुवाहाटी में और इस जगह का नाम है साउथ सरनिया। ये हिल साइड में है और ये जो साउथ सरनिया के पहाड़ के ऊपर जो है वहाँ पे एक एक्चुअली में महात्मा गांधी जी के एक म्यूज़ियम जैसा बना के रखा हुआ है, जो कि महात्मा गांधी जब गुवाहाटी असम में आए थे और कुछ कुछ सामान उनका है उस एक म्यूज़ियम के अंदर है। मैं शायद आपको मैं बाहर से ही दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि ये आपको अंदर में जाने की अब परमिशन नहीं देगा। तो चलिए फिर भी ट्राई करके देखते हैं। फ्लैग का डिटेल्स जो है मैं वो लास्ट में दूंगा, वो आप लोग देखते रहिए। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुका है। मैं आपको सराउंडिंग थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये आपका पहले ही एक मंदिर मिलता है और उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रही है वही म्यूज़ियम है और ये है मेन गेट जो कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलिए हम फिर भी अंदर चलते हैं एक बार। तो यही है इंडियाज टॉलेस्ट नेशनल इंडियन फ्लैग जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। इट्स ऑसम मैन। अगर आप लोग गुवाहाटी में आएंगे तो ज़रूर एक बार विजिट करके जाइए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ का म्यूज़ियम का जो दरवाज़ा है वो तो ऑलरेडी बंद है, फिर भी किसी को पूछ लेता हूँ ये खोलता है कि नहीं। ए भीतर बंद नहीं कि ये तो भीतर बंद नहीं कि कितिया खुलिबो काम कम्प्लीट होले है। ये लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि एसएमईज में जो बोल रहे हैं कि ये अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकता है जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। काम कंप्लीट होने के बाद दरवाज़ा खोल देगा। तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं आप लोगों को ये सराउंडिंग भी दिखाता हूँ और अच्छी तरह से फ्लैग भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। ये है आपका महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू। ये भी बहुत बड़ा है मगर आपको मैं साइज नहीं बोल पाऊँगा अभी कितना बड़ा है, आइडिया लगा सकते हैं आप लोग। पहले तो ये इनकी कलर वाइट कलर में थी, अभी सिल्की सिल्वर कलर दिया गया है, मालूम नहीं किस लिए। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कलर। कुछ भी हो, जब ये इंडियन फ्लैग ऐसे हम लोगों के सामने लहराता रहता है तो कसम से बहुत प्राउड फील करते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन। एक बात बोलूं, यहाँ पे डेटिंग मारने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है, आप लोग डेटिंग मारने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे।
तो अगर आप लोगों को इस फ्लैग के बारे में अगर कुछ डिटेल्स जानना है, आप लोग काइंडली एक बार सर्च करके देखिए कितना है स्क्वायर फीट, कितना है, कितना लंबा है, कितना फैला हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग यू कैन सर्च इन गूगल और यूट्यूब। ये जो फ्लैग आप लोगों ने देखा है, इंडियाज़ टॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्लैग है, वो ये 2 अक्टूबर को ये गांधी मंडप में लहराई गई थी और बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल जी ने। और एक्चुअली मैं ये अक्टूबर से लेके अभी जनवरी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी तक कम से कम ये फ्लैग जो है 3-4 बार फट गई थी और उसके बाद दोबारा इसको फिर से लगाया। और मालूम नहीं, इतना बड़ा फ्लैग है तो शायद ये हवा का जो झोंका है ये अपने आप को काबू नहीं कर पाता होगा तो इसीलिए फट जाता है, या फिर क्वालिटी ख़राब है। इट्स अ वेरी कॉस्टलीस्ट फ्लैग और ऑब्वियसली होगा ही भाई, ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लैग माना जाता है। आपको अंदर में आज नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तब जाके ये अंदर का दरवाज़ा खोलेगा। पहले भी मैं देख चुका हूँ यहाँ पे क्या क्या है, और एक्चुअली ये महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ कुछ कुछ सामान है, तो वही सब सामान यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा गया है। तो आप लोग को भी मैं दिखाऊँगा, ज़रूर दिखाऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बनाऊँगा जब ये कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होगा तब, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं कोशिश करते रहता हूँ कि एक्चुअली मैं असम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, कर जितना हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो दोस्तों आज तक इतना ही, ज़्यादा नहीं पकाऊंगा आप लोगों को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि देश का सवाल है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयो, बाय बाय।